वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ नेवी एमआर जो दोपहर में अभी आपका पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। और एक और बात देखिए, जब ये पेपर आपका हो जाता है, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यदि आपको किसी में भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए करें, क्योंकि वहां पर अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो वहां पर मैं उस गलती को बताता हूँ कि ये गलती हो गई है, और उसका करेक्ट आंसर भी पिन किया हुआ होता है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1906 के अंदर हुई थी। आगे क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 के अंदर, ठीक है, आईएनसी की हुई थी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है, बिल्कुल इसे याद रखेगा, सतलज नदी। मैंने डैम्स की भी वीडियो आपको करा रखी है। आगे देखिए, ऊष्मा का एसआई यूनिट कौन सा होता है, जूल। ये मैंने आज मॉर्निंग में आपको वीडियो कराया था, जिन लोगों ने वो देख रखा है मतलब उनका सही जाएगा। आगे पूछा गया था कि चीफ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, तो उनका नाम क्या है, गीता गोपीनाथ है। आगे क्वेश्चन था कि राजस्थान का जो नृत्य था वो कौन सा है, राजस्थान का नृत्य पूछा था, तो ये घूमर। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आपको लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी करवा दिए थे। हीट का ऐसा ही मात्रक वही मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था, इसका आंसर आप देख लीजिएगा, फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन बना था। आगे देखो, रडार का फुल फॉर्म पूछा था, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, चलेगा। आगे क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा राज्य जो दो राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश है, तो देखिए वो चंडीगढ़ है जो कि पंजाब, ठीक है, और हरियाणा का है। आगे बात करते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 5 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला, मतलब एक तरह से जीता, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो ब्राजील, जिसने जीता था। ब्राजील हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन एट फीफा वर्ल्ड कप विनिंग 5 टाइम्स, यानी ब्राजील 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। राष्ट्रमंडल खेल 1930 किस जगह पर हुए थे, तो ये देखो कनाडा के अंदर हुए थे, यानी 1930 इन हैमिल्टन कनाडा, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल। आगे देखिए, कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है, तो वो वेद पूछा है, तो ये हो जाएगा आपको यजुर्वेद है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों पाए जाते हैं। आगे देखिएगा कि भारत का सबसे पहला लोहे का पुल कहाँ बना था, तो आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में यमुना नदी पर ये भारत का सबसे पहला लोहे का जो है यो पुल जो है वो बना था। एक बुक से भी क्वेश्चन आया था कि आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आपके आपके पेपर में आए थे, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी एक तरह से श्योरिटी नहीं दे रहा कि हाँ यही है, मतलब बच्चों के द्वारा जो बताए हुए होते हैं हम उन्हीं को यहाँ पर ऐड करते हैं, बाकी अलग से बाहर से कोई क्वेश्चन ऐड नहीं करते। असम और मेघालय की राजधानी यहाँ पर पूछी गई थी, देखो हाँ राजधानी नहीं, कुछ और था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया था क्या था, लेकिन वो असम और मेघालय ये दो से ऐसे वर्ड मुझे लगे वहां पर पढ़ने हैं। तो देखो असम की राजधानी है दिसपुर और मेघालय की राजधानी शिलोंग, ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो दे चुका हूं 29 राज्यों की ट्रिक से याद कराया था। नागेश्वर राग किससे संबंधित है, वो सीबीआई से संबंधित है, नागेश्वर राव। आपको पता था सीबीआई में काफी घमासान हुआ था, तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन बनाया करंट अफेयर का। पहला कॉमनवेल्थ गेम किस देश में हुआ था, तो ये कनाडा के अंदर हुआ था, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको याद होना चाहिए। आगे आया था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिएगा कि बंदूक से दागी गई गोली न्यूटन के किस नियम का पालन करती है, तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जो तीसरा नियम होता है। आगे क्वेश्चन था कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, दोस्तों ये यूनेस्को से संबंधित कुछ और टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना आप याद कर लीजिएगा, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। एक और क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य की एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, तो नाभिकीय जो संलयन क्रिया होती है वो सूर्य की एनर्जी का मेन स्रोत होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस इन इट्स कोर फ्यूज हाइड्रोजन इन हीलियम। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके आफ्टरनून शिफ्ट में बने थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जल्द बहुत आने वाले हैं, अभी और बहुत सारे बचे हुए, तो वो मैं आपको इवनिंग वाली शिफ्ट में बचेंगे उनको मैं करवा दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट इवनिंग की वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।